दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2023, एसएससी टू अनाउंस टू जीडी रिजल्ट सून। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कब आएगा, बड़ी जानकारी दी गई है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और खास इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी के ऊपर डेली आपके लिए लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो हमारी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए, फिर आपको फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसके जरिए घर बैठे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल में 10 से 20 अप्रैल के बीच में जारी होगा, यानी एग्जाम खत्म होने के लगभग 2 महीने के बाद में, और फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद में आपके फिजिकल टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ मार्क्स है यानी फिजिकल में पास हुए विद्यार्थियों की लिस्ट 10 से 20 अप्रैल के बीच में जारी कर दी जाएगी, साथ ही आपको कट ऑफ मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा। और अब आपकी वैकेंसी बढ़कर 50,000 हो चुकी है, तो फिजिकल के लिए उनसे 8 गुना यानी कि 4 लाख विद्यार्थी पास होंगे। तो 4 लाख विद्यार्थी पास किए जाएंगे और लिस्ट है वो 10 से 20 अप्रैल के बीच में जारी कर दी जाएगी। तो अब आपको सिर्फ 10 से 15 दिन का इंतजार करना है अपने रिजल्ट के लिए, बाद में आप सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। और जो इंतजार कर रहे हैं अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का, देखिए रिजल्ट के बाद में ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जारी किए जाएंगे, पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका जो रो स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का जो लिस्ट है वो अलग से जारी होगा। तो जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ जरूर से जुड़े रहें, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप किस राज्य से हैं कमेंट करके जरूर से बताना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।